नमस्कार आप सभी को मेरा, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आ चुके हमारे नए वीडियो के अंदर, और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो साइटिका के ऊपर रहेगा। यानी कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइटिका क्या है, ये दर्द हमें कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, और इस जो ये साइटिका की जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, इसको कैसे, इसकी क्या उपचार है जो हमें करने होते हैं, एंड इसको ये जो प्रॉब्लम है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको कुछ योगा आसन बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो अगर आपको साइटिका की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद ही आप इन योग आसन को करें। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी योग आसन बता रही हूँ उनको आप सावधानी पूर्वक ज़रूर करें, कोशिश करें आप अच्छे से ध्यान लगा के उन आसन को करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब फोकस लगा के नहीं करते हैं, सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जितना हो सके जितने भी आसन मैं आपको बता रही हूँ जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही आपको उसको अच्छी तरीके से करना है, जिसकी वजह से आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिल सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइटिका है क्या। साइटिका एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे मेरुदंड यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे, जैसे वो रीढ़ की हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है उसके जस्ट नीचे से ये दर्द होना शुरू होता है, जो हमारे हिप से होता हुआ, हमारी थाई के पीछे से होता हुआ, ये हमारे पैर के तलवे तक ये जाता हुआ, ये पूरा दर्द एक पैर में हमें महसूस होता है, और बहुत ज़्यादा इतना तीखा पेन होता है कि कई बार इसका दर्द हमें सहन भी नहीं होता है। तो ये जो दर्द है ये मोस्टली देखा गया है कि हमारे राइट पैर में यानी कि दाएँ पैर में ये ज़्यादातर लोगों के होता है, एंड 30+ के बाद की जो मैन एंड फीमेल्स होती है उनको ये मोस्टली देखा गया है कि उनको ये पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। एंड इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एक ही है, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर के पास काफ़ी लोग जाते हैं, उसका बस वो जैसे इंजेक्शन्स वगैरह काफ़ी चीज़ें लगवाते हैं, बट लेकिन इसका जो अगर आप नेचुरली जो अगर आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो है योग आसन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको योग आसन बताने वाली हूँ। तो अभी हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए हम योग आसन स्टार्ट करेंगे, एंड इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। जो अगर आपके कोई रिलेटिव है ऐसे जिनको साइटिका की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बहुत हेल्प मिलेगी उनकी इस पेन को कम करने में, उनकी प्रॉब्लम को कम करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी मेट पे रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, और सबसे पहला जो आसन रहेगा हमारा अधोमुखासन रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पैर को एक दूसरे के सामने की तरफ रखते हुए इस तरह से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाएंगे, और हमारी जो कमर है उसको हमें एकदम स्ट्रेट रखना है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कमर को ऐसे बैंड करके हमें नहीं बैठना है, कोशिश करें कि आप इस तरह से बैठे, आपकी कमर एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। हमारे जो दोनों हाथ रहेंगे उससे हम हमारे पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए होल्ड रख सकते हैं, या फिर आप इसके लिए सेकेंड जो चीज़ करनी है आपको, आपको स्लोली स्लोली इस आसन में नीचे की तरफ जाना है, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए और अपने नोज को अपने पैरों पे टच करने की कोशिश करनी है, अपनी फॉरहेड को ऐसे आपको होल्ड रखना है 5 सेकेंड तक। 5 4 3 2 1 अगेन सांस छोड़ते हुए हम वापस अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ लाएंगे, स्लोली स्लोली इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अगेन इसको वापस हम नीचे की तरफ जाएंगे इस तरह से, अगेन एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम स्लोली स्लोली बॉडी को पूरा नीचे की तरफ लेके जाएंगे, नॉर्मल इनहेल एंड फुल्ली एक्सहेल के साथ अपनी बॉडी को स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ लेके आएंगे। अगेन इसको हम 5 सेकेंड तक इसी पोजिशन को हम इस तरह से होल्ड रखेंगे। 5 4 3 2 1 अगेन बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना हमारे जो हमारी जो कमर है वो एकदम हमें स्ट्रेट रखनी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने हाथों को कप शेप में इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और अपने दोनों पैरों को हम इस तरह से रखेंगे, पूरा साइड में ले जाएंगे। सबसे पहले पूरा पैरों को साइड में खोलते हुए अगेन साइड चेंज करते हुए पूरा साइड की तरफ लेके जाएंगे, जिस पैर में आपके ज़्यादा दर्द है, जैसे कि अगर आपको राइट पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसके ऊपर आप दूसरे पैर का प्रेशर ना डालें, जितना हो सके पैर को दूर रखें, या फिर अगर आपको लेफ्ट में दर्द है तो आप लेफ्ट पैर पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। इस तरह से कंप्लीट करेंगे हम, थोड़ा बैंड करेंगे साइड में अच्छे से ट्विस्ट करते हुए, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल के साथ, अगेन इनहेल अगेन एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते रहे,
अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वापस गोमुख आसन में आएंगे। गोमुख आसन के लिए हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट पैर को नीचे की तरफ रखना है और जिस पैर में आपके ज़्यादा दर्द है उस वाले पैर को आपको इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और अपने दोनों हाथों को हमें पूरा रिलैक्स करते हुए इस तरह से पहले अच्छे से पोजिशन बनानी है। फिर हमें क्या करना, अपने दोनों हाथों को हमें पीछे की तरफ इस तरह से इंटरलॉक करना है और अपने शोल्डर से होते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए हमें हल्का सा पीछे की तरफ हाथों को पुश करना है। कमर हमारी एकदम स्ट्रेट रहेगी और नॉर्मल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहे। बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, नॉर्मल इनहेल इन, अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने हाथों को स्लोली स्लोली आगे की तरफ लेके आएंगे। नेक्स्ट हम इसी पोजीशन में हमारा जो राइट पैर है उसको हम साइड में इस तरह से रखते हुए दूसरे वाले हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको हम इस तरह से बाहर की तरफ पुश करते हुए हल्का सा साइड में ट्विस्ट करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, अगेन साइड चेंज करते हुए अपना जो लेफ्ट पैर है उसको ऊपर की तरफ लाएंगे इस तरह से और साइड में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए अगेन साइड में बेंड करते हुए 5 4 3 2 1 कमर को एकदम स्ट्रेट रखना है। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए हमारे मेट पे रिलैक्स होके बैठ जाएंगे इस तरह से। अपने दोनों पैरों को हम सामने की तरफ ओपन करेंगे और इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, हमारी जो यहाँ पे कमर है हमें इस तरह से नहीं बैठना है, कमर हमारी एकदम स्ट्रेट रहेगी। जितना हो सके कमर को एकदम स्ट्रेट रखना है। हमारा जो ये पोस्चर है ये हमारा पूरा 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए यहाँ से। अगेन बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते हुए हमें पीछे ज़्यादा पीछे की तरफ भी नहीं झुकना है, एकदम इक्वल होना चाहिए। और ये जितने भी मैं आसन आपको बता रही हूँ यहाँ पे आप नीचे तकिया लगा सकते हैं अपने हिप्स के नीचे, तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो पोस्चर है ये इस तरह से नहीं होगा, आप अपनी कमर को आप अच्छे से स्ट्रेट रख पाएंगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे जो दोनों पैर है सबसे पहले हमें अच्छे से अपने टो को रोटेशन में अपने टो को अप एंड डाउन करना है। स्टार्ट करेंगे नॉर्मली अपनी पैरों की अंगुलियों को हम ऊपर नीचे करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल के साथ। अगेन रिलैक्स करते हुए आपको ये 5-5 टाइम तक कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट हम हमारे एंकल से पूरा अप करेंगे अप एंड डाउन 1 2 3 4 5 अगेन रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम दोनों पैरों को सेपरेट करते हुए फिर हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 अगेन रिवर्स 5 4 3 2 1 अगेन रिलैक्स करते हुए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपनी मेट के ऊपर हम लेट जाएंगे इस तरह से और पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते हुए सबसे पहले हम करेंगे अपने एक पैर को हम ऊपर की तरफ लाएंगे इस तरह से। जिस पैर में ज़्यादा दर्द है उसको आप ज़्यादा नीचे खींचने की कोशिश ना करें, जितना आपसे नीचे की तरफ आप ला पा रहे हो उतना आपको लेके आना है। और अगर जो अगर आप चेस्ट पे टच कर सकते हो तो आपको चेस्ट पे टच करना, अपने पैर को अपनी थाई को 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे 5 4 3 2 1 अगेन लेग चेंज करते हुए इसको स्लोली नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अगेन लेग चेंज करते हुए टच करेंगे हम 5 4 3 2 1 अगेन इस पैर को हम बैंड करेंगे, दूसरे वाले पैर को हम इस तरह से ऊपर की तरफ लाएंगे और जो हमारा जो पैर बैंड है उसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ उठाते हुए नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे इस तरह से, जितना हो सके स्लोली स्लोली आप करें इसको, जितना आप नीचे ला पा रहे हैं उतना ही आप लाने की कोशिश करें। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए साइड चेंज करेंगे
दूसरे वाले पेट से स्टार्ट करेंगे, अपने राइट पेट से। जिस पैर में ज़्यादा दर्द है उसको ज़्यादा ना करें, नॉर्मल स्लोली स्लोली करें आप इसको, नॉर्मल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहें। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने पैरों को इस तरह से पास में लाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ हम चेस्ट के ऊपर टच करने की कोशिश करेंगे, अर्ध पवन मुक्तासन। अपनी अंगुलियों को अच्छे से इंटरलॉक करते हुए इस तरह से पोजीशन होल्ड रखेंगे 5 सेकंड तक। 5 4 3 2 1। अगेन पैरों को ढीला छोड़ते हुए सीधा करेंगे। नेक्स्ट हम मरकट आसन करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए साइड में लेके जाएंगे। हमारा जो चेस्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा सामने की तरफ रहेगा और हमें कमर से ट्विस्ट करते हुए अपने पैरों को बाहर की तरफ ओपन करना है। अगेन साइड चेंज करते हुए इस तरह से कंटिन्यू करेंगे हम इसको। आपको 10 से 15 बार कंप्लीट करना है, या अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करता है आसन। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे इसको, नॉर्मल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहे। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम पेट के बल लेट जाएंगे। पैरों को एकदम सीधा रखते हुए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से मकरासन में लाना है। ये पूरा हमारा इस पोस्चर को मकरासन बोलते हैं। दोनों हाथों को हमें इस तरह से लाना है और अपने पैरों को हमें स्लोली ऊपर करते हुए नॉर्मल हल्का सा हमें ऊपर नीचे करना है। नॉर्मल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहे, बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते रहे। ये आपको कंटिन्यू 1 मिनट तक कंप्लीट करना है, ये आपको बहुत हेल्प करता है आसन। अगेन बॉडी को रिलैक्स करने के बाद आपको अपनी मेट पे रिलैक्स होकर बैठ जाना है। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे सारे आसन। जितने भी मैंने आपको आसन बताए हैं, या आपकी जो अगर साइटिका की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो इसमें आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप इन आसन को रोज़ डेली बेसिस पे एटलीस्ट आप 20 मिनट तक रोज़ करें, जिससे आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच।